125 देशों की सूची में भुखमरी के मुद्दे में क्या आप जानते हैं कि 125 देशों में भारत का स्थान 111 है। यह भारत के लिए शर्म की बात है दोस्तों, मगर क्या आप जानते हैं देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी इसका मजाक उड़ा रही हैं। स्मृति जी, मैं एक बात समझ सकता हूं कि आप बृजभूषण शरण सिंह, जिस पर आरोप लगता है हमारी महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न का, उस पर आप खामोश रहते हैं। राम रहीम पर गुनाह साबित होता है औरतों के रेप को लेकर, आप उस पर खामोश रहती हैं। कुलदीप सिंह सेंगर पर साबित होता है मामला कि किस तरह से वो एक लड़की पर निशाना साध रहा था, उस पर आप खामोश रहती हैं। हाथरस के मुद्दे पर आप खामोश रहती हैं। अब आप महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री होने के नाते भुखमरी का मजाक उड़ाएंगे। मैं आपको बतलाता हुआ क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि विश्व भुखमरी सूचकांक, इसमें 125 देशों में भारत का स्थान 111 है। भारत ने इस लिस्ट को सिरे से नजरअंदाज कर दिया है। स्मृति ईरानी से जब एक मंच पर इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, और कैसे मजाक उड़ाया मैं आपको बताता हूं। स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर मैं सुबह 4 बजे से निकल गई हूं और अगर मैं सीधे रात को 10 बजे खाना खाती हूं और बीच में अगर कोई मुझसे यह पूछे फोन करके कि क्या आपको भूख लगी है, तो मैं तो कहूंगी मुझे भूख लगी है। स्मृति ईरानी ऐसा क्यों कह रही थी, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि स्मृति ईरानी का दावा है कि यह जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाया गया है सिर्फ 3000 लोगों को फोन करके बनाया गया है। सरासर झूठ दोस्तों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 3000 लोगों को सिर्फ फोन करके नहीं बनाया गया है, वो इसका एक बहुत छोटा पहलू है, मगर स्मृति ईरानी मंच पर बैठकर लोगों को झूठ बोल रही थी, गलत बयानी कर रही थी। मगर इस बात को लेकर मुझे अचरज नहीं होता। आपको याद होगा राहुल गांधी के बारे में एक नहीं कम से कम 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब वो गलत बयानी कर रही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि मेरी बेटी का जो वो सिली सोल्स बार है उसका और उनके पति के कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि एक आरटीआई के तहत सूचना के अधिकार के अंतर्गत जब एक याचिका दायर की गई थी तो उसमें साफ हो गया था कि उनके पति की कंपनी और उनकी बेटी जहां काम करती थी, सिली सोल्स बार, दोनों में सीधा रिश्ता है। तो गलत बयानी तो आप करती रही हैं, मगर अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर न सिर्फ आप मजाक उड़ा रही हैं बल्कि आप गलत बयानी भी कर रही हैं। मैं चाहूंगा अंग्रेजी में दिया गया उनका यह बयान आप सुने, और उसका अनुवाद मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सुनिए स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं। I think that there are indices which do not project the India story, and deliberately so. For instance, Global Hunger Index, that makes headlines now. Many a people have said it's all hogwash. How do they build that indice? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup, and they are asked, "Are you hungry?" Now, trust me. I have left my house in Delhi in the morning at 4 today. I caught a flight at 5 to go to Kochi. I did a conclave there, caught a flight at 5 o'clock to come to this program. By the time I get to anything called food, it'll be 10 o'clock. If you have called me any time in the day today and asked from Gallup, "Are you hungry?" I'll say, "Oh yes, I am." तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, स्मृति ईरानी कई मायनों में गलत बयानी कर रही है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। द वायर ने एक बहुत ही दिलचस्प पड़ताल की है और उन्होंने यह बताया है कि देखिए, जब एक देश में यह पता किया जाता है कि भुखमरी का क्या पैमाना है, तो सिर्फ 3000 फोन कॉल्स करके नहीं, उसके कई पैमाने होते हैं, उसके 4 पैमाने होते हैं। और उसके 4 पैमाने क्या होते हैं आपके स्क्रीन पर। पहला पैमाना अंडर नरिशमेंट यानी कि कुपोषण, दूसरा पैमाना चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा पैमाना चाइल्ड वेस्टिंग, और चौथा पैमाना चाइल्ड मॉर्टैलिटी। सबसे पहले अंडर नरिशमेंट यानी कुपोषण। इसके मुताबिक अगर हमारे बच्चों को पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा होता है, यानी कि अगर उनके खाने में हर चीज नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, तमाम चीजें नहीं होती, तो उन्हें खाना ठीक नहीं मिल रहा होता, वो कुपोषित हो जाता है। दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग, इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि आपके उम्र के हिसाब से
आपका कद नहीं होता, आपकी हाइट नहीं होती, क्योंकि जब आपको अच्छा खाना नहीं मिल रहा होता ना, तो जाहिर सी बात है आपका कद भी नहीं बढ़ता, आपका हाइट भी नहीं बढ़ता। तीसरा मुद्दा है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का क्या मतलब हुआ? यानी कि आपकी हाइट तो बढ़ गई, मगर हाइट के अनुपात के हिसाब से आपका वजन नहीं बढ़ता, यानी कि चाइल्ड वेस्टिंग। और चौथी बात चाइल्ड मॉर्टैलिटी, जिसका क्या अर्थ है कि 5 साल की उम्र तक कितने बच्चे जिंदा रह पाते हैं और भुखमरी की वजह से मर जाते हैं। तो ये वो 4 पैमाने हैं दोस्तों, जिसके आधार पर यह फैसला होता है कि एक देश में कितनी भुखमरी है। और स्मृति ईरानी ने ले देकर 3000 फोन कॉल्स का जिक्र किया, वो भी जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ एक छोटा पहलू है, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया इस चीज का। यही नहीं दोस्तों, कुछ और चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों ट्विटर पे द कैंसर डॉक्टर नाम का एक हैंडल है, उन्होंने आंकड़ा पेश किया है जो उन्होंने खुद वायर से उठाया है। इसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि अगर एक देश में 15% से ज्यादा बच्चे वेस्टेड होते हैं, वेस्टेड का अर्थ क्या हुआ, यानी कि आपके कद के हिसाब से आपका वजन नहीं होता, तब उसे हाई रिस्क एरिया में रखा जाता है। हाँ, अब अगर भारत की बात की जाए दोस्तों, तो भारत में ऐसे बच्चों की संख्या 34% है, यानी कि आपके कद के हिसाब से आपका वजन नहीं है, और भारत में ऐसे बच्चों की तादाद 34% है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 125 देशों में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसने इस स्टडी को, इस शोध को स्वीकार नहीं किया है। उल्टा जैसे कि आपने सुना, माननीय स्मृति ईरानी इसका मजाक उड़ा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने उन पर करारा हमला बोला है। क्या बोल रही है सुप्रिया सुनेत, आइए सुनते हैं। इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते यह अत्यंत चिंताजनक बात है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती है, और अगर नहीं जानती है तो यह और बड़ा चिंता का विषय है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हेवली बेस्ड है 4 इंडिकेटर्स पर, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टैलिटी। अंडर नरिशमेंट में पता चलता है कितनी कैलोरी इंटेक हो रही है, चाइल्ड स्टंटिंग में पता चलता है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की अपनी एज के हिसाब से कितनी लंबाई है, चाइल्ड वेस्टिंग में पता चलता है कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अपने लंबाई के हिसाब से क्या वजन है और वो माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर होता है, और चाइल्ड मोर्टैलिटी बताता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो रही है, वो उसका इंडिकेटर है कि ये माल न्यूट्रिशन से हो रही है, एनवायरमेंट कारणों से हो रही है। ये 4 इंडिकेटर्स हेवीली बेस्ड ये सर्वेस पे रहता है। तो ये कह देना कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये मखौल उड़ाना ही नहीं है, बड़ा दर्दनाक भी है। और ये सारे 4 इंडिकेटर्स यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा है, जिस पर आपकी सरकार प्रतिबद्ध है अचीव करने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि एज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर आपको इसके बारे में पता नहीं है, और पता है तो आप क्यों बिना पलक झपकाए झूठ बोल रही हैं। लेकिन आपका एक झूठ मेरे गले के नीचे नहीं उतरा, और उस पर मैं आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहती हूं। आपसे ज्यादा सशक्त और VIP कम महिलाएं होंगी हिंदुस्तान में। आप इस हिंदुस्तान को हवाई जहाजों से नाप रही हैं, जैसा कि आपने अपने वीडियो में कहा, तो मैं सिर्फ उस पर एक बात कहना चाहती हूं। उन हवाई जहाजों में मील मिलती है, ऑर्डर कर लीजिएगा। जहां आप पहुंचती हैं आप VIP हैं, हर तरह का खाना मिलता है, ऑर्डर कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप ये कहती हैं कि अगर फोन आएगा और आप बता देंगे कि आप भुखमरी का शिकार हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों के घाव को जरूर कुरेदती हैं जो गुर्बत, गरीबी और भुखमरी के चलते रात की एक रोटी कम खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। शर्मानी चाहिए आपको। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मोदी सरकार बार बार कहती है कि कोरोना काल में और उसके बाद लगातार हम 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचा रहे हैं। अगर भारत में भुखमरी एक समस्या नहीं है, तो आपको 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाने की क्या जरूरत पड़ रही है? अगर भारत में सबके पास नौकरी है, अगर भारत में सबको रोटी मिल रही है अपनी मेहनत की कमाई से, तब भी आपको लोगों तक अनाज पहुंचाना पड़ रहा है ना। अब इस मुद्दे को लेकर शोध होना जरूरी है कि जो अनाज आप उन्हें पहुंचा रहे हैं, क्या वो पोषण के सभी मायनों को पूरा करता है? क्या वो नरिशमेंट के तमाम मायनों को पूरा करता है? ये तो सवाल होना चाहिए ना।
इन सवालों का जवाब देना तो बहुत दूर की बात, मगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुद्दे का मजाक उड़ा रही है मोदी सरकार। स्मृति जी मजाक उड़ा रही है। 2014 से पहले जब भी इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भारत पर सवाल उठाती थी ना, तो उनको देशद्रोही, भारत के खिलाफ साजिश, टूल किट, ये तमाम चीजों का जिक्र नहीं किया जाता था। अब किया जा रहा है, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक बात है। हमें अपने गिरबान में झांकना है, तथ्यों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। क्यों? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।